लेते थे पकड़े गए। जैसे ये मैंने कहा है ना, वैसे तनुष बहुत जल्द सीबीआई इस पर भी रेड डालेगी। आप देखिए इसका ब्लड से में ही निकलेगा। मैं कहती हूँ कि नार्को टेस्ट हो इसका, नाना पाटेकर जी का ना हो, वो भी किसी के भाई पति पिता हैं, तो उनको बदनाम किया जा रहा है। ये तो बेशरम है। इसे क्या, ये तो अभी अमेरिका जा जाके पूरी टोटली अंग्रेज हो चुकी है। और मेरे बाद एक बॉयफ्रेंड है नहीं, मुझे नहीं पता अभी है या नहीं है। कुछ लोग होते बाइसेक्सुअल समझते हैं, मेल फीमेल दोनों के साथ सब कुछ करते हैं। ये तो प्योर लेस्बियन थी, बॉयफ्रेंड कहां से आ गया? ये तो खुद ही एक लड़का है। तनुश्री दत्ता कैसे हमारे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हो, गंद कर रही हो हमारे बॉलीवुड के सीधे साधे लोगों को, म्यूजिक डायरेक्टर एक्टर सब पे इल्जाम लगा रहे हो। अक्षय कुमार जी, आपको किसने कहा साजिद खान की फिल्म को छोड़ने के लिए? क्यों छोड़ी? कोर्ट से न्याय नहीं आया, जजमेंट नहीं हुआ, और पहले आपने लोगों को दोषी ठहरा दिया। अक्षय कुमार जी, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपको नहीं फिल्में छोड़नी चाहिए। किसी भी बड़े स्टार को ऐसी फिल्में नहीं छोड़नी चाहिए, किसी की भी फिल्में नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास डेट नहीं है तो बात अलग है, आप छोड़ सकते हैं। बट आप फिल्म में रहिए, आपके बगैर तो फिल्म में मजा भी नहीं आएगा। साजिद खान की फिल्म में आप रहिए, प्लीज आप रहिए। और कोई भी किसी की फिल्म नहीं छोड़ेगा। अनु मलिक जी को भी एक रियलिटी शो से निकाल दिया गया, क्यों? क्या कसूर है उनका? अभी तक कोई जजमेंट आया नहीं। क्या वो लड़की की बात सच, आप कैसे मान सकते हो? लड़की की बात सच है, कैसे मान सकते हो? कोर्ट में सबूत तो पेश करने दो। अभी कोर्ट में अभी गया नहीं है केस, गया नहीं है। उससे पहले ही रियलिटी शो वालों ने या फिल्म वालों ने या एक्टरों ने जजमेंट कर लिया। ये तो गलत है ना। मैं कास्टिंग डायरेक्टर जो है फिल्मों में सीरियलों में, उनको ये कहना चाहती हूँ कि अब लड़कियां छोटे छोटे शहरों से आती है, और आज मैं हॉकी और डंडा लेकर नहीं आई हूँ। कास्टिंग डायरेक्टर वालों सुनो, लड़कियां आती है और सबसे पहले आप पे भरोसा करती है। जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं ना, वही प्रोड्यूसरों को मिलाते हैं, और वो सबसे पहले वही बोलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के। जब मैं सिंटा में हाईएस्ट वोट जीत के जब मैं आई थी, सिंटा में जब कार्ड बनता है, तो वहां पे कास्टिंग डायरेक्टरों की बहुत कंप्लेंट आई थी। इस पर भी मैं लड़ी थी। बहुत सारी लड़कियों ने आरोप लगाया था कि सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर ही कहते हैं हमें ये करना होगा, वो कॉम्प्रोमाइज करना होगा, स्किन टेस्ट देना होगा। तो कास्टिंग डायरेक्टरों सुनो, फिल्मों और सीरियल वालों, किसी भी लड़की का फायदा नहीं उठाना, वरना ये जो मेरे हॉकी और डंडा है ना, तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूंगी मैं एक एक। मैं सबको जानती हूँ, सबको मैं जानती हूँ। बाद में केस होगा वो तो बाद में, पहले तुम्हारी खैर नहीं। अगर तुमने किसी भी लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात करी है तो तुम याद रखना। कोई सवाल?